बात, भक्त बहुत देखे मैंने, लेकिन हनुमान जी की भक्ति आपके अंदर अंकुरित होने के बाद अब जो प्रस्फुटित हो रही है, और ऐसे ही धीरे 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 आदमी भक्त बन जाता है, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा आपके साथ। तो हनुमान जी के अंदर एक ही विशेषता है कि वो अपने भक्तों को कष्ट में फंसे हुए देखना नहीं चाहते, निर्भर करता है कि मनुष्य किस भाव से उनकी पूजा कर रहा है। भाव देखा जाएगा, भाव प्रथम है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। तो जो हनुमान जी की उपासना करेगा उसको तुरंत फल प्राप्त होगा, और ये एक्सपेरिमेंटेड है। जो बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने ये सब परोस करके थाली में रख करके दिया है, बताया गया है, निज अनुभव रहा है, निज अनुभव है बड़े बड़े संतों का। हनुमान जी ने जब लंका में विभीषण को एक परिचय दिया था भगवान राम का, कि देखो भगवान राम ऐसे हैं जो उनकी शरण में चला जाता है उसको वरदान देते हैं और राजा बना देते हैं। मैंने तो देखा कि सुग्रीव को उनकी शरण में गया और उसको राजा बना दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सब जानते हैं कि अब जैसे ही विभीषण चला है लात खा करके अपने भाई की, जब इस संसार में मनुष्य अपने स्वजनों से लात खाता है तो लात खाने के बाद उसका जो डेस्टिनेशन होना चाहिए या उसको शरण कहाँ मिल सकती है, सिर्फ भगवान के चरणों में ही मिल सकती है। जब विभीषण चला तो मन में एक अंकुर प्रस्फुटित हुआ, क्या कि यार भगवान राम सबको राजा बना देते हैं, कहीं ऐसा ना हो भगवान मुझे लंकेश बना दे। तो जो भाव विभीषण के मन में आया कि यार भगवान कहीं ऐसा ना हो लंकेश बना दे मुझे, तो कुछ भी है पता नहीं अपनाएंगे या नहीं। तो ये सारी बातें, जैसे विभीषण क्या है, इस संसार का एक जीव है, एक प्राणी है, सामान्य प्राणी की तरह से देखा जाए उसको, ठीक इसी प्रकार इस संसार के जितने भी प्राणी हैं मृत्यु लोक में, जब वो ईश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता, कृतज्ञ शब्द है, अब कृतकृत्य भयं मैं माता, हनुमान जी भी कहते हैं, जब कृतकृत्य हो जाता है पूजा करने के बाद, फिर अपनी बागडोर, मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ इसलिए फल मिला है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो स्वयं ही फलाफल की प्राप्ति होगी। जय सिया राम, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, हनुमान जी की भक्ति से इस जीवन में सब संभव है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सुखों का दो दो बार वर्णन किया है, जिक्र किया है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज हम धार्मिक नगरी हरिद्वार में मौजूद हैं। हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, हनुमान जी की क्या महिमा है, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूज्य संत डॉक्टर शक्तिधर शर्मा जी उपस्थित हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, स्वागत है आपका। आप भारतीय थल सेना के धर्मगुरु हैं, साथ ही प्रोफेसर रह चुके हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के ज्योतिष और वास्तु के, और बहुत सारे शंकराचार्यों के सानिध्य में आपका समय बीता है और उनको आपने परामर्श देने का काम किया है, और पूरे भारत के लोग शास्त्री जी के नाम से आपको जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हनुमान जी इस तो कलयुग के साक्षात देवता हैं और उनकी आराधना से सब संभव है, तो जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, हम इससे शुरुआत करते हैं भक्तों के लिए कि क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उन्होंने ही रामचरित मानस के साथ साथ हनुमान चालीसा भी उन्होंने ही लिखा है। लिखा है राम रसायन तुम्हरे पासा। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। रसायन शब्द आया है इसमें, रसायन आंवला जो फल है, आंवले के अंदर 6 के 6 रस होते हैं, मृदु अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय,
यानी कि राम रूपी रसायन भगवान का नाम हनुमान जी के साथ हमेशा रहता है, और हनुमान जी अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति हैं। और यहाँ मैं सभी दर्शकों को स्मरण कराना चाहूँगा कि जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद आए तो शनि को रावण ने दंड देने के उद्देश्य से उल्टा लटकाया हुआ था और वो श्वास ले रहा था जी। तो हनुमान जी का ध्यान उधर गया तो हनुमान जी ने उसको मुक्त किया। यहाँ मुख्य बात यह है कि शनि जो है सूर्य पुत्र है और बाली भी सूर्य पुत्र है, इस दृष्टि से हनुमान जी ने दया करके उसको छुड़ाया। और ये उनसे वाक्य लिया कि मेरे जो भी भक्त होंगे, जो हनुमान जी का की आराधना करेगा उसको शनि कष्ट नहीं देगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन बातचीत हुई हुई है शनि और हनुमान जी के बीच में। जी जी। तो ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य के ऊपर शनि की 7.5 या 2.5 वर्ष की ढैया आती है, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान चालीसा में बहुत गंभीर गंभीर ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो उसका पाठ करता है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, यानी के संकट कटे मिटे सब पीरा, यानी के सब पीड़ा हरने वाले। एक चीज और है, मैं लोगों को देखता हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जश जो दायक फल चार। चार फल की बात की है यहाँ, तो मैं अक्सर पूछता हूँ भाई वो फल चार कौन से हैं, तो बोलो जी यही केला अमरूद सेब वगैरह होगा। तो चार फल कौन से हैं इस संसार के अंदर? जब विवाह होता है किसी का तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 7 फेरे नहीं होते, ये एक भ्रामक तथ्य है। अच्छा। कि लोग बोलते हैं 7 फेरे लिए हुए, सप्तपदी होती है, 7 वाक्य होते हैं, लेकिन 4 फेरे होते हैं। धर्म अर्थ और काम मोक्ष के लिए हमारे जो सनातन पद्धति है उसमें जो विवाह संस्कार करने की जो पुस्तक है उसमें दिया है साफ साफ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक इसी प्रकार जो 4 फल हैं, जो दायक फल चार, यानी कि हनुमान जी की जो स्तुति करेगा और जो दायक फल चार, 4 फल प्राप्त होंगे उसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हनुमान जी की आराधना जो नहीं करता, जो भोले भाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, तो उनको बताना चाहूँगा कलयुग में, कलयुग केवल नाम अधारा, अगर सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा, यानी के सतयुग उसको बताया, कृतयुग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी, फिर त्रेता में बताया कि त्रेता में ये तरीका है, त्रेता नर विविध यज्ञ करही, और द्वापर में बताया द्वापर युग में नर भव तरही उपाय न दूजा, और भगवान की जो पूजा है उसको करना चाहिए। लेकिन कलयुग में इतना रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया कि समय नहीं है मनुष्य के पास, अगर वो एक धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके 1 मिनट के लिए भी हनुमान चालीसा पाठ करके अगर नहीं करता, केवल स्मरण करके हृदय से ओम हनुमते नमः और इनका बीज मंत्र है जी, किसी अच्छे गुरु से मंत्र दीक्षा लें और ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा ऐसे करके ये बीज मंत्र है, तो जो हनुमान जी की उपासना करेगा उसको तुरंत फल प्राप्त होगा। और ये एक्सपेरिमेंटेड हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं उन्होंने ये सब परोस करके थाली में रख करके दिया है, बताया गया है, निज अनुभव रहा है, निज अनुभव है बड़े बड़े संतों का। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक साइंस पर विज्ञान पर खरी उतरती है जो, वो बात लंबी हो सकती है
लेकिन मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में बताऊं आपको। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और सबसे छोटा उसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और लंका दहन हुआ है सुंदरकांड के अंदर। क्या किसी का घर जलता है जब उसको सुंदर कहा जाता है? नहीं। लोगों का मानना है कि लंका जली इसलिए नाम रख दिया सुंदरकांड। नहीं, ये पूरा का पूरा जिसने सुंदरकांड के ये 2 शब्द जो टिप अगर ले लिया तो उसका जीवन सुधर जाएगा। वो इलौकिक और पारलौकिक सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा और पापों से मुक्त होगा, कष्ट संकट परेशानियां सब मुक्त हो जाएगा। सुंदरकांड के केवल पढ़ना 1 घंटा 20 मिनट लगता है। शुरू में जितनी भी चौपाइयां और दोहे और छंद पढ़ करके अपने आप लोग सोचते हैं कि हमने तो आज सुंदरकांड का पाठ किया, हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। नहीं, सुंदरकांड की गंभीरता को, सुंदरकांड के उद्देश्य को समझना होगा। तुलसीदास जी ने लिख दिया, समझने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समझा या नहीं, उसको कैसे समझेंगे। बहुत छोटा सा मामला है। हनुमान जी जाते हैं कि मैं लंका में जा रहा हूँ और माता सीता का पता लगाऊंगा। माता सीता क्या है? माता सीता भक्ति है। हर पात्र को एक एक कोड नंबर दिया है रामचरितमानस में। राम ज्ञान के प्रतीक हैं, लक्ष्मण वैराग्य हैं, सीता भक्ति है, बाकी रावण का नाम मोह है, कुंभकर्ण अहंकार है, बाली मन है, सुग्रीव जीव है, राम भगवान हनुमान जी का नाम है भक्त। तो इस तरह से सबका कोड नंबर है। तो सीता कहाँ बैठी है? लंका में। और लंका में पहुँचने के लिए हनुमान जी के सामने 3 बाधाएं हैं। पहली है सात्विक, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। तो क्या है कि सबसे पहले सुरसा नाम अहिन के माता, देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा ली कि ये विदेश में जा रहा है, दूसरे कंट्री में, क्या ये इतना ज्ञानी और बुद्धिमान है कि राक्षसों से मुकाबला करेगा और सीता जी का पता लगाएगा? तो सुर सा मैंने वह संस्कृत में, सुर मैंने देवताओं की माता थी वो, हनुमान जी की परीक्षा ली कि बेटा मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि माता खा लेना, मैं पहले सीता सुधी प्रभु ही सुनाओ, सीता की सुध ले आऊं माता सीता की। तो बोला नहीं, कौने उ जतन दे ही नहीं जाना ग्रसिसी, तो ग्रसिसी न मोही कहे वो हनुमान। उन्होंने कहा माता मुझे छोड़ दो, तो वो उसका कहना मान करके उसके मुख में गए और वापस आ गए। माता मैंने आपका कहना मान लिया और आपकी आज्ञा का पालन किया। बोले आशीष दई गई सो हर सी चले वो हनुमान। बोला बेटे तुम बल बुद्धि निदान, तुम बल बुद्धि के निदान। अच्छा शास्त्री जी, चूँकि आपने जिक्र किया इस बात का कि जो दायक फलचार, आमतौर पे भक्तों के सामने एक जिज्ञासा रहती है और कुछ शंका भी रहती है कि सुनने को मिलता है कई बार विद्वानों से कि व्यक्ति को निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जो हनुमान जी का भक्त है उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जीवन तो उन चीज़ों से चलता है जिन चीज़ों से जिसकी मांग है, उसके बगैर चल भी नहीं सकता। तो यहाँ बड़ी द्विधाग्रस्त स्थिति हो जाती है कि 4 फल मिलता भी है, क्या उस 4 फल की मांग करें हनुमान जी से, या फिर एक निष्काम भाव से ही जाए, और सांसारिक व्यक्ति निष्काम भाव से जाए तो कैसे जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है। और अक्सर जो आदमी भक्ति करता है उसके मन में इस उपजना स्वाभाविक है। इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति जो पूजा करता है वो या तो सकाम भाव होगा या निष्काम भाव होगा। जितने गृहस्थ जीवन के लोग हैं सकाम भक्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? किसी के बच्चे की शादी है, किसी का मकान है, किसी की नौकरी है, तो कामनाएं रख करके ही पूजा की जाती है। भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। जिस व्यक्ति को भी
जब भी पूजा की जाए मन में एक ऐसा भाव रहे कि ईश्वर हम आपके शरण में हैं, और लास्ट में एक चौपाई तुलसीदास जी ने सारे समाधान दिए हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी, जो मैं समस्या की वजह से आपके शरण में आया हूँ, मेरी समस्या को भी आप जानते हैं क्या है और उसको पूरा कैसे करना है वो भी आप ही जानते हो, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान जो है शरणागत की रक्षा करते हैं, लेकिन सकाम भाव, बार बार कामनाओं को रख करके कोई आदमी भगवान के चरणों में पर्ची रखता है, कई सारे काम, बेटे की नौकरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, ये सब ठीक नहीं है जी। निस्वार्थ भाव से पूजा करनी चाहिए। भक्तों से कई बार बातें होती हैं या कुछ जो लोग सवाल पूछते हैं उसमें भी पूछते हैं कि जो भी हमारे पाठ हैं, चाहे दुर्गा सप्तशती हो या हनुमान चालीसा ही हो, उसमें एक तरह से मांग तो हम रखते ही हैं भगवान के सामने, दुर्गा देवी से हम सब मांगते ही हैं, उसमें आप पूरा कील कवच अर्घ्य से लेकर के आप पढ़ें तो एक मांग ही है। हनुमान चालीसा में भी संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, उन्होंने बता दिया है कि संकट भी कट जाएगा। तो कोई व्यक्ति अगर मांग रखता है तो ये थोड़ी उसकी मनस्थिति द्विधाग्रस्त होती है कि फिर ये कैसे, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं कि ये क्या है। दरअसल हर व्यक्ति को पूजा करते समय भाव तो कोई मिटा नहीं सकता, जो अंदर भाव है, जिस भक्ति भाव से मनुष्य जात ईश्वर के सामने बैठता है, झुकता है या रोज पूजा करता है, भाव तो रहता है कि जब मैं पूजा कर रहा हूँ तो भगवान मुझे इस कष्ट से निकालेंगे या ये वरदान देंगे। एक यहाँ उल्लेख करूँगा थोड़ा सा विषय से हट करके, हनुमान जी ने जब लंका में विभीषण को एक परिचय दिया था भगवान राम का कि देखो भगवान राम ऐसे हैं जो उनकी शरण में चला जाता है उसको वरदान देते हैं और राजा बना देते हैं। मैंने तो देखा कि सुग्रीव को उनकी शरण में गया और उसको राजा बना दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर भय सब जग जाना। सब जानते हैं कि अब जैसे ही विभीषण चला है लात खा करके अपने भाई की, जब इस संसार में मनुष्य अपने स्वजनों से लात खाता है तो लात खाने के बाद उसका जो डेस्टिनेशन होना चाहिए या उसको शरण कहाँ मिल सकती है, सिर्फ भगवान के चरणों में ही मिल सकती है। जब विभीषण चला तो मन में एक अंकुर प्रस्फुटित हुआ, क्या कि यार भगवान राम सबको राजा बना देते हैं, कहीं ऐसा ना हो भगवान मुझे लंकेश बना दे। तो जो भाव विभीषण के मन में आया कि यार भगवान कहीं ऐसा ना हो लंकेश बना दे मुझे, तो कुछ भी है पता नहीं अपनाएंगे या नहीं। तो ये सारी बातें, जैसे विभीषण क्या है, इस संसार का एक जीव है, एक प्राणी है, सामान्य प्राणी की तरह से देखा जाए उसको, ठीक इसी प्रकार इस संसार के जितने भी प्राणी हैं मृत्यु लोक में, जब वो ईश्वर के प्रति अपना कृतज्ञता, कृतज्ञ शब्द है, अब कृत कृत्य भयं मैं माता, हनुमान जी भी कहते हैं, जब कृत कृत्य हो जाता है पूजा करने के बाद, फिर अपनी बागडोर, मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ इसलिए फल मिला है, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो स्वयं ही फल की प्राप्ति होगी। हाँ, अब इन्हें आपने दुर्गा सप्तशती की चर्चा की, अर्गला कीलक कवच में, अब ये देखिए श्लोक, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही, देही सौभाग्यम आरोग्यम देही में परमम सुखम, देही देही शब्द आ रहा है कि माता मुझे ये दो मुझे ये दो। तो माता तो ऐसी है कि सबकी झोलियां भर देती है किसी को, ऐसे ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी एक ऐसे सन्यासी समझो या ब्रह्मचारी समझो, खुद अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। और उनका इतिहास है, भगवान राम दुख में थे, संकट में थे, और उनके सारे जितने सियाराम के काज संवारे,
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, तो पैठी पताल तोरियम कारे। ये किडनैपिंग का जो एक फैशन था, अपहरण करने का, त्रेता युग में भी था। रावण का जो पुत्र था अहिरावण, वो भगवान राम का अपहरण करके मायावी विद्या से पाताल लोक में ले गया। पाताल लोक से भगवान को हनुमान जी लेकर के आए हैं। जी, जी। अच्छा बाबा जी, एक और जिज्ञासा लोगों की रहती है। आपने कहा कि निष्काम भाव से ईश्वर के सामने जाना चाहिए और ईश्वर का पार्ट फिर शुरू हो ही जाता है। जी जी। जैसे कि विभीषण जी को लेकर के हुआ, जहाँ भगवान श्री राम स्वयं कहा उन्होंने कि यद्यपि सखा तो इच्छा ना है, तुम्हारी इच्छा तो नहीं है राजा बनने की, लेकिन मैं फिर भी मेरा जो दर्श है अमोघ है, वो खाली नहीं जाएगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। यानी पूजा का फलाफल प्राप्त होता है। चूँकि आप ज्योतिष के प्रोफेसर भी रहे हैं और अभी मैं आया तो मैंने देख रहा था कि बहुत सारे ज्योतिषीय कार्यों का संपादन भी कर रहे थे आप। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे आपके जीवन में भी। यहाँ ये भी लोगों का सवाल होता है कि जब ग्रह ही निर्धारित करते हैं, सब ग्रहों द्वारा हम संचालित हैं, निर्धारित हैं, तो फिर किसी देवी देवता की पूजा आराधना क्यों करनी चाहिए? जी जी, ठीक है, बिल्कुल सही प्रश्न है। इस संसार के अंदर ग्रह और दशा, ग्रह दशाओं के कारण ही मनुष्य जो है घूमता है। ग्रह ही उसको घुमाते हैं, प्लेनेटरी पोजीशन जो है उसका घुमाया ही घूमता है मनुष्य। ये फैक्ट है और इसे कोई, ये ज्योतिष एक विज्ञान है और हम चूंकि इस विषय के जी जी 50 साल से काम कर रहे हैं, तो हम ज्योतिष को तो बिल्कुल एकदम अकाट्य सत्य है। प्रिडिक्शन करना ना करना, किस तरह से तरीका है, वो डिपेंड करता है आदमी की स्टडी के ऊपर, लेकिन ज्योतिष अपने आप में सही है, प्लेनेटरी पोजिशन सही है। देखिए ज्योतिष में एक शब्द आता है, 6 शास्त्र हैं संसार में, 6 शास्त्र, रावण 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, तो उसमें व्याकरण शास्त्र, विद्या शास्त्र और निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, तो अप्रत्यक्षाणी शास्त्राणी विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, सूर्य और चंद्रमा जिसके साक्षी हैं उसी से गणना की जाती है। लेकिन जब ग्रहों के आधार पर ही सब कुछ हो रहा है तो मनुष्य को चुपचाप बैठ जाना चाहिए, पूजा क्यों करता है वो? पूजा करने का मतलब क्या है? मनुष्य को आत्मिक बल, मॉरल सपोर्ट, एक जैसे कि किसी आदमी के साथ एक गार्ड जा रहा है, रिवॉल्वर या राइफल लेकर के जा रहा है, तो उसको ये लगेगा उस आदमी को मेरे साथ गार्ड है, या एक डॉग जा रहा है, कुत्ता पालते हैं बहुत से लोग, वो तो हुआ एक मॉरल सपोर्ट उसकी। जहाँ तक अध्यात्म से अगर हम जोड़ेंगे इस चीज़ को, जब हम किसी देवता से अपने आप को जोड़ते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अंदर ये आता है कि मैंने जिस देवता की पूजा की उसकी ऊर्जा या मेरा मन देवता के चरणों में लगा तो उतनी देर के लिए उसके अंदर जो विकार हैं मन के अंदर आता, विचार नहीं आते। और आपने एक देखा होगा जनरेटर लगाते हैं लोग बाग, तो वहाँ एक कितना बड़ा मेन स्विच लगाते हैं, ऐसे अगर नीचे कर दो तो जनरेटर से लाइट सप्लाई हो जाएगी, मेन सप्लाई है तो ऊपर कर दो। ठीक इसी प्रकार जब वो जो लाइट है उस दोनों तरफ से नहीं आ रही है, ठीक इसी प्रकार मन का जो चेंज ओवर है वो स्विच, उतनी देर के लिए जो संसार की जो बुराइयां हैं, सांसारिक आवाज है, सांसारिक विचार हैं, उस तरह से कट ऑफ हो जाता है मनुष्य, और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, एकाग्रता बनती है देवता के, इष्ट देवता के चरणों में बनती है। तो जितनी देर शास्त्र, पूजा करने का सबसे बड़ा फल क्या है ये सुन लो आप, पूरे विश्व के लिए बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितनी देर मनुष्य आँख बंद करके बैठेगा या हाथ जोड़ करके बैठेगा, 1 घंटा पूजा करने का या 10 मिनट पूजा करने का ढोंग करेगा, हर व्यक्ति को
पूजा करने का 10 मिनट का ढोंग जरूर करना चाहिए। ढोंग शब्द बार बार यूज कर रहा हूं मैं, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाता है। और जब मनुष्य जितनी देर पूजा करेगा उतनी देर उस संसार के विचारों से, जो तामसी विचार हैं या माइंड डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर, उतनी देर बच जाएगा और चोट से, बुराइयों से, एक्सीडेंट से, लड़ाई से और बुरे विचारों से बचेगा। तो जितनी देर वो पूजा में उसका मन रहेगा, मन शांत होगा। जो साइकोलॉजिकली, यहाँ मैं जोड़ूंगा, कुछ रोग हैं इस संसार के अंदर, सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, निगेटिव साइकोसिस, ये जितने भी रोग हैं ये मन के रोग हैं। रामचरितमानस में लिखा, मानस रोग कछुक में गाए, तुलसीदास जी ने। मानस रोग, मानसिक रोग है संसार में ज्यादातर। उन सब का इलाज क्या है? देवताओं के प्रति अपने आप को समर्पण भाव से बैठ करके और कृत कृत्य होना, कृतज्ञता प्रकट करना, तो मानसिक और शारीरिक रोग नहीं होते और मनुष्य को आत्मिक बल मिलता है और सपोर्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है और पॉजिटिव थिंकिंग आती है। जी जी, बातें तो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन जिज्ञासाएं भी काफ़ी चुकी मेरे मन में भी आ रही हैं। जी, एक और बात आती है कहने, जैसे कि आपने कहा कि ग्रहों द्वारा संचालित तो है सब कुछ, लेकिन गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि हनुमान जी का अनुग्रह, ग्रहों के ऊपर एक अनुग्रह भी है कि तुम्हारे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इस जन्म को तो छोड़ दीजिए, जन्म जन्म के जो प्रारब्ध जिसे कहते हैं वो बिसर जाता है। भक्तों की जिज्ञासा के लिए आप अपने अनुभव से जरा बताएं कि क्या ऐसा संभव है कि किसी के जीवन में ग्रहों की प्रतिकूलता हो, ग्रह बिल्कुल विपरीत प्रभाव दे रहे हों, फिर भी वो हनुमान जी की साधना करें और सब कुछ अनुकूल होने लगे। बहुत सुंदर बात कही है आपने, संसार के कल्याण के लिए। मुझे तो आप जैसे अच्छे जो संस्कारित भक्त हैं, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। देखिए, जब मनुष्य सरेंडर कर देता है, मनुष्य भगवान के प्रति, तो उसकी जो चिंताएं हैं, उसकी जो परेशानियां हैं, तो ईश्वर स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक चीज लिखी है, पूरा देश, पूरे जो भी आप सुन रहा है इस बात वार्तालाप को, जिस मनुष्य को कोई कष्ट है इस संसार में, अगर वो मनुष्य अपने कष्टों को सुबह सुबह जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य के सामने प्रकट करे अपने शब्दों को जी, कि हे सूर्य नारायण, मुझे ये कष्ट है, मेरे कष्टों को दूर कीजिए, या गाय के कान में बताना चाहिए, शास्त्र कहता है ये बात। अच्छा, गाय के कान में आप बताएंगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। और तीसरी बात, आपका जो भी इष्ट देवता है, सबसे ज्यादा प्रभावी कलयुग में सबसे अधिक पूजा भगवान का आशीर्वाद हनुमान जी के ऊपर है, इसीलिए उनको कहा गया था कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। और जो व्यक्ति जिस मनोरथ को लेकर के जाएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और जब हमने भगवान के, आपने एक भजन सुना होगा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, बजरंग बली मेरी नाव चली, अब बल्ली कृपा की लगा देना। तो हनुमान जी के अंदर एक ही विशेषता है कि वो अपने भक्तों को कष्ट में फंसे हुए देखना नहीं चाहते। निर्भर करता है कि मनुष्य किस भाव से उनकी पूजा कर रहा है, भाव देखा जाएगा, भाव प्रथम है। लिखा है, थे द्विजे देवज्ञे भैसे जे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवती तादृशी। जिस भावना से
हम जिस अपने इष्ट देवता की पूजा करेंगे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी। जी जी जी, एक आखिरी जिज्ञासा और भक्तों के मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास पैदा हो, हालांकि ये निजी सवाल होगा, आप अगर उत्तर देना चाहें। कई बार होता है कि हम इतने दिनों की साधना में हैं और जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि आप हनुमान जी के बहुत अच्छे साधक हैं, वर्षों से आप साधना में हैं, कोई ऐसा अनुभव आपके स्मरण में आ रहा हो कि आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है? क्या बात है, मैं किसी सांसारिक जीव सांसारिक प्राणी का यहाँ चर्चा नहीं करूँगा जी, आपको प्रैक्टिकली और मतलब एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जो कि एकदम सारी दुनिया जानती है। तुलसीदास जी चित्रकूट में रोज पूजा करते थे और हनुमान जी से वार्तालाप होता था उनका कि एक दिन राम जी आएंगे, चिंता मत करो। कब आएंगे? बोले जिस दिन आएंगे मैं बताऊंगा आपको। एक दिन हनुमान जी आए, बैठे हैं और चंदन लगा रहे हैं रामचंद्र जी को और ये उनको पहचान नहीं पा रहे। उन्होंने एक संकेत दिया है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो गीला चंदन था, ताजा ताजा। राम जी चले तो बोले तुम राम जी तो चले गए, तुमने देखा नहीं। बोले मैं कैसे पहचानता, अच्छा ठीक है अभी जाता हूँ, देख लिया। तो इसके ऊपर भजन भी बने हैं, जरा देर ठहरो राम, तुलसीदास जी चिपट गए राम जी को, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो हनुमान जी की जब कृपा होती है तो इस तरह से कृपा कर देते हैं संकेत करके, और समझने वाले की जिम्मेदारी है कि वो कैसे समझता है। आपके जीवन में कुछ इस तरह का स्मरण रहा हो, आ रहा हो अभी? हनुमान जी की बातें इस प्रकार दूरदर्शन पर या तो लोगों को लगेगा बहुत हल्की बात कर रहे हैं। मैं सेना में रहा हूँ, मैंने सेना में बहुत, और अधिकांश हमारे यहाँ सेना में श्री कृष्ण जी की उपासना और हनुमान जी की उपासना अच्छा ज़्यादा अधिकांश होती है। मैंने बहुत मंदिरों की स्थापना कराई है जम्मू कश्मीर में, आसाम में, दिल्ली, बरेली, कई रेजिमेंटों में। तो ऐसे ऐसे कष्ट भी आए, परेशानियां भी आई, और हनुमान जी की कृपा से यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सेना में मंगलवार के दिन जो सत्संग का पूजा का आयोजन होता है, और मंगलवार के दिन ही होता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, उसको हमारे सेना की भाषा में मंदिर परेड कहा जाता है। अच्छा, मंदिर परेड होगी, बाकायदा होगी, नियम से होगी, और हर आदमी उसमें भाग लेगा। वहाँ कोई धर्म नहीं है कि ये इस धर्म का है, ये सरदार है, ये सिख है, ये ईसाई है, सब करते हैं। ये तो बाहर सिविल में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग धर्म में वैमनस्य करते हैं, हमारे यहाँ सेना में सब एक ही धर्म है, वो सैनिक धर्म है। बहुत आनंद से होता है। और महाबली हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा होती है और वो सबके कष्ट दूर करते हैं। आपने मेरे से संस्मरण पूछा कि आपका कोई ऐसा अनुभव है जी। मैं हनुमान जी की उपासना करता था आसाम में, एक दिन रात को मुझे स्वप्न जो दिखाई दिया है, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर देख रहा हूँ मैं, एक पीपल का वृक्ष। वहाँ के बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद मेरा ट्रांसफ़र J&K में हुआ। J&K में जिस जगह मेरा ट्रांसफ़र हुआ 4 साल पहले, वो स्थान हनुमान जी की कृपा से मेरा मेरे मन में स्वप्न में आ चुका था। मैं वहाँ जाने के बाद देखता हूँ ये क्या है, ये तो मैं देखा हुआ है ये स्थान, जबकि मैं पहली बार वहाँ पोस्टिंग गया। तो हनुमान जी स्वप्न के द्वारा
या किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा सांकेतिक भाव से कहलवा देते हैं। अच्छा। और कहलवाते हैं समझने वाले की, डिकोड कर देते हैं। आपको यहाँ एक एग्जांपल दूंगा। हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और त्रिजटा ने ये कहा सीता को, त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी, कि सपने बानर लंका जारी, जात धन सेना सब हमारी, कि माता रात मेरे स्वप्न दिखाई दिया, सपने में एक वानर आया है, उसने लंका को जला दिया और जातु धान सेना सब हमारी, राक्षसों की सेना को मारा। हनुमान जी सोच रहे यार माचिस तो मैं लाया ही नहीं हूँ, अग्नि का कोई सामान ही नहीं है। तो इसलिए कि हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान ने त्रिजटा के माध्यम से मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे लंका जलानी है, तभी उसके बाद उस आदेश को समझ करके ये प्रभु का आदेश है इसलिए जलाई। तो भक्तों को, जो उनका सच्चे मन से भक्त होगा, उसको सांकेतिक भाषा में या किसी भी प्रकार से उसको जगा जरूर देते हैं हनुमान जी। अच्छा, मतलब उसे संकेत जरूर संकेत देते हैं किसी भी तरह से। जी चल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो बातें बताई हैं हम समझते हैं निश्चित तौर पर भक्तों के हृदय में भक्ति और ज़्यादा मजबूत होगी, प्रबल होगी, और जब भी हरिद्वार आना हुआ तो हम जाएंगे कि हनुमान जी के बारे में ऐसे ही आप बातें बताएं भक्तों को, जिससे कि लोगों का विश्वास और श्रद्धा बढ़ता रहे। बहुत धन्यवाद। भक्त बहुत देखे मैंने, लेकिन हनुमान जी की भक्ति आपके अंदर अंकुरित होने के बाद अब जो प्रस्फुटित हो रही है, और ऐसे ही धीरे 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 आदमी भक्त बन जाता है, और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। जय सियाराम। जय सियाराम।